मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतिम चरण के लिए 8 जुलाई को मतदान होगा। वहीं चुनाव की तारीख नजदीक आते ही पंच और सरपंच प्रत्याशियों ने अपना तूफानी चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। ऐसा ही नजारा धार जिले के ग्राम पंचायत लावरिया में दिखाई दिया, जहां सरपंच प्रत्याशी बाबुड़ी बाई डावर ने घर घर जनसंपर्क कर मतदाताओं से जीत का आशीर्वाद लिया। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे नगर परिषद पोलाई कला में अब चुनावी रंग दिखाई दे रहा है और वार्ड क्रमांक 13 में भाजपा और कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी के सामने निर्दलीय प्रत्याशी के द्वारा भी अपना दम दिखाया जा रहा है। जहां कांग्रेस और भाजपा के प्रत्याशी अपने अपने दावे कर रहे हैं, वहीं इन दावों में कितना दम है ये तो वक्त ही बताएगा। 13 जुलाई को मतदाताओं को मतदान करने के बाद 17 जुलाई को परिणाम आने के बाद ही पता चल पाएगा। परंतु अब नगर परिषद पोलाई कला में चुनावी रंग दिखाई दे रहा है। प्रत्याशी चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बुधवार को वार्ड क्रमांक 13 में काला पीपल क्षेत्र के पूर्व विधायक बाबूलाल वर्मा के द्वारा भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी कैलाश मंडलोई के समर्थन में रैली निकालकर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील। और 13 वार्ड क्रमांक पोलाई कला नगर के बीच आज घूमा हूँ। मतदाताओं का पॉजिटिव सोच है, उनको उम्मीदवार भी पसंद है और भारतीय जनता पार्टी भी पसंद है। मैंने कारण जाना तो कई बुजुर्गों ने मुझसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना भी विकास किया गया अभी तक के इतिहास में कभी विकास नहीं हुआ। बड़े से बड़े काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुए, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो ग्रिड का हो, चाहे वो यहाँ पर कॉलेज लाने वाला हो, तहसील यहाँ पर बनाई गई है, फायर ब्रिगेड की उपलब्धि भी यहाँ पर दी गई है, बड़े बड़े रोड निकाले गए हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा लोगों का सोच है कि नगर से लगाए, गाँव से लगाए तो दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी का अगर शासन बैठेगी तो विकास में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। यह सब मतदाताओं का सोच है और निश्चित हम काफी मतों से भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को जिताने का प्रयास कर रहे हैं और जीतेंगे। फिलहाल भाजपा समर्थित प्रत्याशी को जनसंपर्क के दौरान मिल रहे भारी समर्थन से भाजपा संगठन सहित कार्यकर्ताओं को जीत का पूरा भरोसा है। ऐसे में अब देखना होगा कि शांति चित्त बैठे मतदाता किसे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। पोलाई कला से सोहन मरेठिया की रिपोर्ट।